नारायण 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 राजे महाराजे राजपाट छोड़कर गुरुओं के द्वार जाते सत्संग करते सेवा करते जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो आदमी अभागा जरूर है क्योंकि भाग्य होते जब पुण्य होता है तो भाग्य चमकते बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता पुण्यों का पुंज जोर नहीं मारता तब तक संत और सत्संग नहीं मिलता बड़े भाग्य तन पावा मनुष्य शरीर भी बहुत कर्मों की यात्रा करते करते मिलता और उसमें सत्संग तुलसीदास जी कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंद्र ऐहि भवन समाना जिन्होंने मनुष्य जीवन पाकर अपने कानों के द्वारा भगवत कथा नहीं सुनी उसके कान है सांप के बिल जैसे जैसे बिल में सांप रहता है ऐसे उसके कानों के द्वारा राग रहेगा संसार के बातों का पदों का विषयों का राग रहेगा किसी से द्वेष रहेगा राग भी नोचता है और द्वेष भी नोचता है लेकिन भगवत भाव और भगवत ज्ञान और भगवत नाम जीवात्मा को भगवत रस देकर मोक्ष कर देता है दुखों से चिंताओं से पापों से नरकों से उबारने वाला भगवत सत्संग है नारद जी कहते हैं संसार तापे तपता नाम संसार के त्रिविध ताप में तपने वाले लोगों के लिए कोई शारीरिक पीड़ा में तप रहा है तो कोई मानसिक पीड़ा में तप रहा है तो कोई प्राकृतिक प्रकोपों के कारण बेचारे तप रहे देखो बम्बई में मध्य प्रदेश में हमारी टीमें तो काम कर रही है सेवा कर रही है समितियाँ भेजे भी आदमी आश्रम से पैसे लेकिन कब तक कल भी बम्बई के लोग रो रहे थे बेचारे फोन पर कि हमारे घर में आठ आठ नौ नौ फुट पानी आ गया अभी तक पराय घर में सो रहे हैं दूसरे के ऊपर अपना घर का सामान तो सब सड़ गया बिगड़ गया हमारी कंपनी के तरफ से हमको अनाज मिला ये मिला बापू जी ऐसा है वैसा है तो ये संसार के ताप आते प्राकृतिक ताप तो संसार तापे तपता नाम योगो परम औषध आया तो वो बोलते थे दो वचन सत्संग के मिलते हैं तो हमें शांति मिलती औषध मिलती दुनिया का धन मिल जाए सत्ता मिल जाए अगर सत्संग नहीं है तो बुढ़ापे में पीड़ा खूब सताएगी मृत्यु बहुत सताएगी और जन्मने के बाद दूसरे जन्म में जाएं गर्भ मिला तो भी पीड़ा नहीं मिला तो बाथरूम में बह जाएगा इन दुखों से छूटने के लिए भगवत सत्संग के सिवा और कोई उपाय नहीं अगर जीवन में भगवत सत्संग नहीं है तो फिर पशु का जीवन अच्छा है बैल को बेटे बेटी की चिंता नहीं होती शादी बरात की चिंता नहीं होती कोई बीमार हो जाए तो बैल पूछने जाए कोई जरूरी नहीं और आप रिश्तेदार बीमार हो जाए नहीं जाओ तो देखो क्या हालत होती बैल तो चलते फिरते डबल भी कर ले सिंगल भी कर ले और आपको कहीं एक सिंगल भी करना है तो चार जगह नज़र मार के फिर करना इतनी जिम्मेदारी वाला जीवन होते हुए भी मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है क्योंकि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुन सकता है पा सकता है और अपना मुक्ति लाभ कर सकता है मनुष्य ही कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता अनपढ़ जीव जंतु भी अपना पेट भर लेते हैं बच्चे बच्चियां वो भी कर लेते हैं दुख आए तो वहां से संभल के निकल जाना वो भी जानते हैं। देखो कोई बड़ा खतरनाक कुत्ता आता है तो छोटा कुत्ता उसको मस्का मार के आ, करके निकल जाता हाँ कोई छोटा मोटा आता है बड़ा दबाना भी जानता भैंस को भैंस की पार्टी को चारा बारा बढ़िया मिले चरती है मजा लेती फिर वो खुशी तो वो भी मना लेती चौकड़ी मार के दौड़े मंत्री जी दौड़ते ही नहीं दौड़े पैसे मन जो आवे दो पैर उठाई <laughs> तो ये संसार में तो क्या पाडों को पाड़ियों को भैंसों को भी अनुकूलता में मजो आवे प्रतिकूलता में दुख मनुष्य भी अनुकूलता में मजे में, में आ गया प्रतिकूलता में दुख हुआ तो फिर अनपढ़ भैंस पाड़ी घोड़े गधे कुत्ते बिले से कोई ज्यादा तरक्की हो गई क्या इतनी अक्ल तो मच्छर को भी है कि कहाँ मज़ा आता है एक जगह पे मैं गया था उस आश्रम में बहुत मच्छर थे मैं जानबूझ के अपनी दाढ़ी आगे रखता मच्छर मेरे ललाट पे बैठे गाल पे बैठे हाथ पे बैठे पैरों में बैठे खूब मच्छर थे मैं बार बार दाढ़ी दूँ लेकिन इतनी अक्ल तो मच्छर को भी थी कि बापू की दाढ़ी पर बोरिंग नहीं होता है खाना <laughs> नहीं मिलेगा मज़ा नहीं आएगा तो कोई स्कूल में नहीं जातेगा अगर खाना पीना और बच्चों को जन्म देना ही है तो मनुष्य शरीर की और मनुष्य की बुद्धि की और मनुष्य जिम्मेदारी की क्या जरूरत है लेकिन इतनी बुद्धि इतनी जिम्मेदारियां होने के बाद भी मनुष्य शरीर की इतनी श्रेष्ठता है कि वो भगवान का सखा बन सकता है भगवान का मित्र बन सकता है भगवान का संबंधी बन सकता है भगवान का भक्त बन सकता है भगवान का स्नेही बन सकता है यहाँ तक कि भगवान का बाप बन सकता है मनुष्य भगवान का बाप बन सकता है बोलो बन सकता कि नहीं बन सकता है भगवान का बाप बन सकता कि नहीं मनुष्य वशिष्ठ जी मनुष्य थे कि नहीं दशरथ जी मनुष्य थे कि नहीं और भगवान के बाप थे कि नहीं वसुदेव मनुष्य थे कि नहीं थे वो दोपहर वाले मनुष्य थे देवता नहीं थे मनुष्य थे देवता भगवान का बाप नहीं बन सकता क्योंकि वहाँ तो सुविधाओं की इतनी मौज है कि भगवान को पाना और भगवान मेरे बेटे हो जाएसा वरदान पाने की तो उनको फुर्सत ही नहीं ज़रूरत ही नहीं लगती अपना समय पुण्य उसी में खर्च कर रहे हैं मज़े मजे में जिसके जीवन में सारे मजे ही मजे आते हैं दुख नहीं आता वो भी पापी है अभागा है। दुख नहीं आना ये भी दुर्भाग्य की बात है क्योंकि सुख और सुविधा और विलासिता में आयुष्य नष्ट हो जाएगा तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आया क्या जरूर आया बाबा आते हैं आया आ, सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान दोनों का उपयोग करके अपने आत्मा को पहचान तेरा कल्याण हो जाए दुख का भोगता मत बनो दुख आए तो आप दुख के भोगी बनोगे तो दुख आपको कमजोर कर देगा नोच के चला जाएगा सुख आए और आप सुख के भोगी बने तो सुख आपको खोखला भोगी बनाकर चला जाएगा इसलिए सुख में डूबो नहीं और दुख से दबो नहीं दुख का भी फ़ायदा उठाओ